आगे देखो हमारे पास क्या कंजर्वेटिव सिस्टम है, जो टोटल एनर्जी होती है किसका सम होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे मैंने पाई यूज करता, आप यू भी ले सकते हो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो एल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जो लैग्रैन्जियन होता है वो टी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी तो एस प्लस एल की वैल्यू क्या आ गई, टू टी। अब देखो जब हमने इससे पहले किया था तो हमने इस पे छोड़ा था पी इक्वल टू में वन बाई क्यू आई डॉट एच प्लस एल, तो यहाँ पे एच प्लस एल की जगह पे क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा। इस इक्वेशन को डबल स्टार इक्वेशन का नाम दे दिया। अब देखो हमने एक काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रेटिक वाला हमने एक वो किया था टॉपिक, वहाँ पे हमारे पास क्या कंजर्वेटिव सिस्टम था, कंजर्वेटिव सिस्टम था तो हमारे पास क्या आता था, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए टी वन और जो टी नॉट था ना वो तो हमारे जीरो हो गए थे, तो टी किसके इक्वल आता था टी टू के, और टी टू की वैल्यू थी हाफ समेशन, वहाँ पे जे होता था, यहाँ पे के यूज करके ए आई के क्यू आई डॉट क्यू के डॉट। अब देखो हमने अभी निकालना सीखा था क्यू आई डॉट किसके इक्वल होता है, क्यू आई डॉट क्यू आई डैश किसके इक्वल होता है, क्यू आई डॉट बाय में क्यू वन। अगर आपको समझ में ना आए कैसे आए तो ये मैंने निकाल के बताया हुआ है। तो यहाँ से क्यू आई डॉट की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, क्यू आई डैश इंटू में क्यू आई डॉट, तो यानी कि आपके पास क्यू आई डॉट की भी वैल्यू आ गई और क्यू के डॉट की भी, इन दोनों वैल्यूज को जाके इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इधर से हाफ समेशन आई के वैल्यू फ्रॉम वन टू एन ए आई के, क्यू आई डॉट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू आई डॉट की जगह पे आ जाएगा क्यू आई डॉट क्यू आई डैश क्यू के डैश। अब देखो क्यू आई डॉट इसमें भी है, क्यू आई डॉट इसमें भी है, और वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, देखो हमारे पास क्या है, अभी इस लाइन को स्किप करो, इसकी जगह पे हमने क्या किया, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्यू आई डॉट इसमें भी है, क्यू आई डॉट इसमें, वो तो कॉमन आ गया, और इस पूरी चीज़ को नाम दे दिया हमने जी का, जहाँ पे जी किसका फंक्शन है, क्यू वन क्यू टू क्यू एन का, क्यू टू डैश क्यू एन डैश का। तो क्यू आई डॉट का स्क्वायर क्या बन गया, टी बाय में ये जी नीचे चला जाएगा, तो क्यू आई डॉट किसके इक्वल आ गया, इक्वल टू में रूट ऑफ टी बाय में जी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो आपके पास क्या है, टी बाय में जी आने पर यानी कि पी की वैल्यू जो थी हमारे पास टू टी बाय में क्या थी, हमारे पास टू टी बाय में, एक मिनट अभी बताती हूँ, टू टी बाय में क्यू आई डॉट थी, और यहाँ से हमारे पास क्यू आई डॉट की वैल्यू आ चुकी है, तो यानी कि मैं सिचुएशन में क्या थी, क्यू आई डॉट की वैल्यू रखने पर रूट टी ऊपर है, नीचे रूट जी है, देखो नीचे रूट टी और रूट जी तो ऊपर आ गया, ठीक है। एक इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो हाफ ही बचेगी। अब देखो टी किसके इक्वल था, एच माइनस पाई के, लेकिन एच हमारे पास क्या कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए कांस्टेंट के इक्वल है एच के, तो एच लिख लो, एच लिख लो एच नॉट लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से पी की वैल्यू में टी जो हमारे पास पी की वैल्यू आई थी वहाँ पर टी की जगह जाके क्या पुट कर दूँ, एच माइनस के पाई, ठीक है। तो यहाँ से जो क्यू आई डॉट आया था हमारे पास, क्यू आई डॉट की वैल्यू क्या थी, टू टी बाय में पी। अब देखो टी की आपके पास वैल्यू आ चुकी है, पी के आपके पास आ चुकी है, कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू आई डॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्यू वन डॉट की एच माइनस में पाई बाय में जी, और जो हमारे पास क्यू वन डॉट की लास्ट में जो वैल्यू आएगी, और द डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो हमने पी के अंदर लिखी थी, वो इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म गिवन बाय 15, जहाँ पे हमारे पास क्यू वन डॉट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, जैकोबी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर एक में आपको दिखाई देखने क्या थी, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर एक, ये मिलके और साथ में हमारे पास लास्ट में क्यू वन डॉट ये लिख के, ये हमारे पास किसको फॉर्म करता है, जैकोबी इक्वेशन को। कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लेना। हाँ यहाँ पे आपको शायद कुछ प्रॉब्लम मेरे को लग रही है कि आपको हो सकती है, मैं बताती हूँ कहाँ पर, यहाँ पे हैमिल्टोनियन फंक्शन की जगह यूज किया, हैमिल्टोनियन फंक्शन की जगह पे पी आ गया, यहाँ पे होता था पी आई क्यू आई डॉट, क्यू आई डॉट की जगह पे हमने क्यू जे डैश लिया है, आई की जगह पे जे लिया है, यहाँ पे शायद माइनस का एल होता था और एल की जगह पे हमने किसको रिप्लेस किया, के सिर्फ ये याद रखना।